अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी दोस्तों, तो आज लॉकडाउन का है आखिरी दिन। अजैबा में हम बीच के ऊपर, ये है समंदर या समुंदर या सी, वाट एवर यू आर सेइंग इन योर लैंग्वेज। और ये है फुटबॉल ग्राउंड, ये देखें फुटबॉल, यहाँ से लेके ये दूसरा गोल जो है। तो यहाँ पर डेली जो है कम से कम 4-5 टीमें जो हैं वो खेल रही होती थी, प्रैक्टिस कर रही होती थी। और आप देखें ये मेन है और वो एक छोटा नेट लगा हुआ है उधर से इधर तक सामने वो, और ये बड़ा एक है, ये फुल ग्राउंड है, वो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए लगाए हुए नेट। तो यहाँ पर काफ़ी चहलकदमी होती थी, लोग खेल रहे होते थे, बहुत ज़्यादा लोग देखने आ रहे होते थे, सामने मस्जिद भी है। तो अब जो है लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद पड़ी है। तो आज उम्मीद है कि फ्राइडे आखिरी दिन है, 29 मई लॉकडाउन का, वैसे जो लॉकडाउन का आखिरी दिन है और बाद में जो है ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। आज केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए, 811 केसेस आए थे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कमेटी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल की थी, मौखर की थी सॉरी, तो वो इस वीक में होगी, जून के पहले वीक में, उसमें वो क्या जो उन्होंने फैसले किए थे मीटिंग में बुध के दिन 27 तारीख को, वो क्या फैसले हैं और उनका इकदाम जो हैं उन्होंने क्या किए हैं, हदायत क्या हैं। तो इंशाल्लाह खैर जो ही वो अनाउंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब तक तो हर तरफ सुनाटे ही सुनाटे हैं भाई। दुआ करें जल्दी मसाजिद खुलें और हम फिर से जो है इबादत करें इंशाल्लाह। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।